आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन जूल 2021 की शॉकिंग थिंग्स के बारे में। क्या कुछ चीज़ें मैं इस बार कहीं शॉक करती हुई दिखा दे सकती है क्राउन जूल पेपर व्यू के अंदर। इसके बारे में बात करने वाला है, क्राउन जूल पेपर व्यू होने वाला है थोड़ी देर के अंदर, और इसको लेकर कुछ आपको जो है मैं मेरी शॉकिंग रिजल्ट से फिर शॉकिंग प्रेडिक्शंस बताऊंगा। तो क्या कुछ चीज़ें हो सकती है कमाल की इस पेपर व्यू के अंदर बात करने वाले, तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नए तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम लोग जो है देर नहीं करते, और मेरे ख्याल से जो हमें फिफ्थ नंबर पर जो पॉसिबली हमें जो चीज़ दिखाई दे सकती है वो दिखाई देगी इस बार का जो अपने मैच होने वाला है गाइस आर के ब्रो वर्सेस एजेस टायसन ओमस के बीच। तो मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर हमें एजेस टायस और ओमास का फाइनली ब्रेकअप दिखाई दे सकता है, जो कि हम चाह रहे हैं कि एजेस टायस को एक सिंगल्स डिवीजन के अंदर पुश मिले, सिंगल्स करियर उनका फिर एक बार WWE स्टार्ट करे, और जो एजेस टायस का पुश है वो फिर एक बार WWE चालू करे। और मेरे ख्याल से जो एजेस टायस है उनकी टैग टीम अगर ब्रेक होती है क्राउन जूल में, तो मेरे ख्याल से मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एजेस टायस सेपरेट हो जाएंगे फाइनली ओमास से, और सिंगल्स डिवीजन के अंदर वो अपना नाम बनाने के लिए फिर एक बार आएंगे। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ होगी, और मेरी आप प्रेडिक्शन होगी कि हमें फाइनली ये चीज़ दिखाई दे सकती है कि ये जैसा इसका ब्रेकअप हो जाए ओमास के साथ, और मेरे ख्याल से ये हमें चीज़ दिखाई दे सकती है क्राउन जूल पेपर व्यू के अंदर। इसके बाद जो मैं अगली थिंग दिखाई दे सकती है वो दिखाई देगी इस बार का एक बेबी के लिए नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। ये चीज़ हमें भी फाइनली इसके अंदर ही लीड होती हुई दिखाई दे सकती है कि बेबी के लिए कौन नेक्स्ट होने वाला है। तो इसके लिए हमें कुछ थिंग भी दिखाई दे सकती है क्राउन जूल के अंदर, तो मैं लगती है क्या ये चीज़ हो पाती है अपने, और अगर आता है कोई सुपरस्टार तो कौन होता है और कौन वो बंदा होता है जो कि बिगी को आने वाले समय के अंदर चैलेंज करता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये मेरे ख्याल से फोर्थ नंबर पर हमें चीज़ दिखाई दे सकती है, और जो थर्ड नंबर पर मैं जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो होने वाली है इस बार का इस अपने गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के अंदर, वो चीज़ हमें डेफिनेटली दिखाई दे सकती है जो कि होगी इस बार। गोल्डबर्ग के बेटे केज का इस मैच के अंदर इंटरप्शन होना, और गोल्डबर्ग ने इस बात को कहा है कि उनको फैमिली के साथ ही जो पर्सनल चीज़ें हो गई, और बार बार गोल्डबर्ग के बेटे का भी नाम इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरीलाइन में इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल से WWE इसका पूरे पूरा फ़ायदा उठा सकती है, और मेरे ख्याल से गोल्डबर्ग के बेटे को लाना केज को WWE के अंदर SummerSlam के बाद वो अपीयर होंगे क्राउन जूल में, तो मेरे ख्याल से वो मैच के अंदर आएंगे, तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये राइवलरी के अंदर में थोड़ा अलग चेंज दिखा दे सकता है, और मैच के अंदर थोड़ा बहुत शॉकिंग ये पल भी हो सकता है, तो देख लेते। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी ये प्रेडिक्शन है कि गोल्डबर्ग के मैच के अंदर केज भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो क्या देखते क्या वो हेल्प करते हैं गोल्डबर्ग को जीतने के लिए, या फिर क्या वो बॉबी लैशली को डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, ये वाली देखने वाली बात होगी। और क्या वो अटैक करेंगे लैशली पर, ये भी चीज़ हमें समझ में आ सकती है सीधा क्राउन जूल के अंदर। और जो मैं सेकेंड नंबर पर जो चीज़ रखना चाहता हूँ मेरी पर्सनली शॉकिंग थिंग के अंदर प्रेडिक्शंस है, और ये है एक रिटर्न, और ये किसी भी सुपरस्टार की हो सकती है। देखो क्राउन जूल आपको पेपर व्यू पता है WWE का बड़ा पेपर व्यू है, और मेरे ख्याल से इस पेपर व्यू के अंदर हमें एक पॉसिबली WWE रिटर्न भी करते हुए दिखा दे सकती है। अब वो रिटर्न WWE कौन से भी मैच के अंदर कर सकती है, फिर ऐसे ही रिटर्न कर सकती है, किसी बड़े सुपरस्टार की भी हो सकती है, छोटे सुपरस्टार की भी हो सकती है, क्या पता अलायंस एलेक्सा ब्लिस फिंड या फिर जॉन सीना रॉक वगैरह, ऐसे तो वे WWE खरीदी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ रिटर्न भी WWE इसके लिए जो है कन्फर्म भी कर सकती है, तो वेल देखते हैं। लेकिन क्राउन जूल को और भी ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए मेरे ख्याल से एक रिटर्न हो जाती है, तो वेल WWE इसको और भी कमाल का पे पर साबित कर सकती है, तो वेल देख लेते क्या कुछ चीज़ें होती। लेकिन जो मैं फर्स्ट नंबर पर जो शॉकिंग स्पॉइलर ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा, शॉकिंग थिंग जो बताने वाला हूँ वो आई गेस से मैंने गैस कर ली होगी, जो कि होगी इस बार अपने ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप थमाना, और पॉल हेमन कर दे टर्न, और वो रोमन रेंस के ऊपर पलट जाए, और रोमन रेंस अपनी इस लंबी यूनिवर्सल टाइटल रेन को में खत्म करते हुए दिखा देंगे, और ब्रॉक लेसनर अपने नए यूनिवर्सल चैंपियन हो जाएंगे क्राउन जूल 2021 के अंदर। इसको बताने के लिए कोई थिंक की जरूरत नहीं कि क्यों ब्रॉक लेसनर होंगे, और किसी को फर्क भी ज़्यादा पड़ेगा नहीं कि ब्रॉक लेसनर हराया, लेकिन ये शौक बड़ा हुआ कि ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन अपीयर हो जाए। पॉल हेमन ने इस चीज़ को कन्फर्म कराया कि वो जाएंगे तो यूनिवर्सल चैंपियन के साथ ही, लेकिन वो क्राउन जूल के बाद भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ ही जाएंगे, मतलब जो
चैंपियन होगा उसके साथ, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी चीज़ जो कि पॉल हेमन ने टीज की। तो पहले देखते हैं क्या कुछ चीज़ें ये हो पाती या अपने, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ होती तो बहुत बड़ा क्राउन जूल एक बवाल फेपर व्यू मचने वाले। तो पहले आपके हिसाब से क्या कुछ चीज़ें हो सकती है और क्या चीज़ें आप देखना चाहोगे क्राउन जूल के अंदर, आप मुझे आपके थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस ये तक थी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लोग जो वीडियो को लाइक कर सकते हो इवन आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।